पंचायती राज विभाग के ग्रामीण सफाई कर्मचारी ने माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार व माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को द्वारा जिलाधिकारी के प्रतिनिधि माननीय एएसपी को सौंपा ज्ञापन। संवाददाता तेज नारायण गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद कानपुर नगर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ब्रजेश सुवाडोर के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों कानपुर नगर के गांधी प्रतिमा फूलबाग में 19 जून 2023 दिन सोमवार को एकत्रित होकर स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर पुरानी पेंशन बहाली व विभागीय सेवा नियमावली बनवाने एवं कैशलेस चिकित्सा कार्ड बनवाने की नारेबाजी करते हुए अपनी विभिन्न मांगों, सफाई कर्मचारियों की पेरोल पर ग्राम पंचायत अधिकारियों के हस्ताक्षर पूर्ण रूप से खत्म किए जाएं, सफाई कर्मचारी को 1800 ग्रेड पे के स्थान पर 1900 ग्रेड पे दिया जाए, निर्वाचन ड्यूटियों का मानदेय पैसा दिया जाए, सफाई कर्मचारियों की बहन बेटियों की शादी के लिए विभाग से 10 लाख रुपए तक की अग्रिम ऋण दिया जाए आदि मांगों को लेकर एएसपी मुन्ना सिंह, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार राजू बाल्मीकि, सदस्य दिशा, राज्य स्तरीय समिति उत्तर प्रदेश सरकार, राजा भरत अवस्थी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कानपुर को ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का जो प्रांतीय संघ है, उनके निर्देशानुसार हर जनपद में पुरानी पेंशन बहाली सेवा विभागीय नियमावली हमारी सफाई कर्मचारियों के जो क्या नाम है 13 सूत्री मांगे हैं, जो पुरानी पेंशन बहाली है, विभागीय सेवा नियमावली है, चुनाव में जो सफाई कर्मचारियों को मानदेय नहीं दिया गया उनके लिए हमारा कैशलेस कार्ड नहीं बनाया, कैशलेस कार्ड के अभाव में हमारे कई कर्मचारी मृत्यु के गाल में चले गए हैं, और हमारी जो क्या नाम है जो ग्राम पंचायत अधिकारियों के हस्ताक्षर सफाई कर्मचारियों को पेरोल पर कराए जाते हैं उसकी पूरीता विद्यागत कराना है, और हमारी जो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की बहन बेटी के हैं उनकी शादी के लिए 10 लाख रुपए का अग्रिम अनुदान नहीं दिया जा रहा है, जो कि सभी कर्मचारी सभी अधिकारियों को दिया जाता है, उसको उनको बहाल कराना है। अन्य ऐसी मांगे हैं जिनको गंभीर रूप से शासन प्रशासन को अवगत कराना है। अगर हमारी मांगे अगर नहीं पूरी की करी जाती है 15 दिन के अंदर हम समय दिया जाएगा, ये 15 दिन का अगर हमारी मांग नहीं पूरी करी जाती है हम लोग सामूहिक रूप से भूख हड़ताल में सभी कर्मचारी पूरे कानपुर नगर का चला जाएगा।